हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है या मैं बनाने सॉरी जो मैं वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो मैंने स्पेशली यूपी टेट एस टेट एंड एसएससी यूपीएससी एंड माय स्टूडेंट्स सीजीएल के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्या बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स के लिए जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की आपको दी है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी टेट एस टेट एंड माई डियर क्या एसएससी एमटीएस सीजीएल रेलवे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए बात करते हैं किसकी, वन वर्ड की मेरे प्यारे बच्चों, किसकी, वन वर्ड। स्टूडेंट्स वन वर्ड सब लोग जानते हैं, मुझे लिखने की नीड नहीं है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सब लोगों को। और आज जो मैं एक एक वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। और स्टूडेंट्स जिस भी वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे वो स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ओके। तो आइए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मेरे पास है वन हु eats। देखिए बच्चों क्या है, वन हु eats टू मच, फर्स्ट वन वर्ड है हमारे पास। मीनिंग सब लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे सुनिएगा। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, खाता है। हम कहते हैं भाई इसको तो बहुत, ये तो बहुत खाता है भाई, इसको तो हर चीज चाहिए भाई। जो बहुत खाना खाता है, घर में कुछ भी आया भाई इसको सबसे पहले चाहिए, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पेटू। क्या बोलते हैं, पेटू। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं क्या लिखा हूं, ग्लूटन, जी एल यू डबल टी ओ एन, क्या बोलेंगे, ग्लूटन। लेकिन स्पेलिंग को बड़े अच्छे से देख लें, जी एल यू डबल टी ओ एन, ग्लूटन बोला जाता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा पीता है, खाता पीता जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है। कहते हैं तो पेटू है, मतलब जहां पर भी जाता है। अक्सर आप लोग देखते हैं जो पाकिस्तान के जो पीएम है उनके कैबिनेट में एक मंत्री है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उनकी अक्सर आप लोग पिक्चर देखते हैं तो वो ग्लूटन पर्सन है। कहीं पर बिरयानी के बहुत शौकीन है, तो कहीं पर भी उनको जो खाना मिलता है वो बस खाने के लिए रहता है, उनकी इच्छा जो है खाने के लिए रहती है। वो कौन है, वो ग्लूटन है। कोई भी आपकी फैमिली या पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है तो कह सकते हैं इज अ ग्लूटन पर्सन। स्पेलिंग क्या है, जी एल यू डबल टी ओ एन, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ए। आप लोगों ने ये कई बार सुना भी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। ए ग्रेट लवर मतलब क्या है, लवर तो सब लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रेट लवर है। ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री मतलब क्या, जो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैसे आप लोग हैं, अपनी कंट्री को जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन पर्संस को क्या बोला जाता है, पैट्रियट। अगर हम बोले हिंदी में, अगर बोले तो क्या, देशभक्त। क्या बोलेंगे, देशभक्त मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, पैट्रियट। तो स्पेलिंग समझ आइए, पी ए टी आर आई ओ टी, स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग बहुत पूछा जा रहा है। ग्लूटन मतलब पेटू और पैट्रियट मींस देशभक्त, जो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता है। क्या मेरी बात क्लियर है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स मेरे पास वन हु, देखिए वन हु लव्स मैनकाइंड। व्हाट डू माई मैनकाइंड, स्टूडेंट्स मैनकाइंड का मतलब क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन, मैनकाइंड मतलब मानवता, जो मानवता को प्यार करता है, मतलब जो सबके अच्छे के बारे में सोचता है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जिसके अंदर मानवता भरी हुई है, तो ऐसा पर्सन को हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, पी एच आई एल ए एन टी एच आर ओ पी आई एस टी, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलें या अल्ट्रुइस्ट बोलें, दोनों का सेम मीनिंग है। स्पेलिंग ज्यादा देख लीजिएगा, पी एच आई एल ए एन टी एच आर ओ पी आई एस टी, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो लिखिए अल्ट्रुइस्ट, ए एल टी आर यू आई एस टी, अल्ट्रुइस्ट, दोनों से मतलब है। और एसएससी में यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलिए या अल्ट्रुइस्ट बोलिए मेरे प्यारे बच्चों,
ALTRUIST अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी है, दैट विच। देखिए मैं जितने भी वर्ड आपको आज पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम पेपर में मिलने वाले हैं, मैंने उन्हीं को टारगेट किया है, ध्यान से वीडियो समझ लें। दैट विच लाइक, आप ये कह सकते हैं दैट विच लाइक अ काउ, दैट विच लाइक अ काउ मतलब क्या, जो दिखता हो, दैट विच लाइक अ, सॉरी दैट विच लाइक्स अ काउ, जो एक गाय की तरह दिखता हो, या दैट विच इज काउ लाइक, जो भी आपको कहना है वो लिखिए, दैट विच इज काउ लाइक, क्या बोलेंगे, बोआइन, बी ओ डब्ल्यू आई एन ई, हम कहते हैं यार ये तो गाय की तरह बिल्कुल सीधा साधा है, कोई भी ऐसा पर्सन कहते हैं यार गाय की तरह सीधा है, तो आप बोलेंगे क्या, दैट विच इज काउ लाइक, या दैट विच लाइक्स अ काउ, ऐसा पर्सन जो दिखता है एक गाय की तरह दिखता है, सॉरी गाय की तरह दिखता है, तो कौन है, बोआइन है, बी ओ डब्ल्यू क्या आई एन ई, गाय जैसा, हिंदी में क्या बोलेंगे, गाय जैसा सीधा साधा भोला पर्सन बोआइन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के लिए है स्पेलिंग में बहुत बार बार मैं बोल रहा हूं, फोकस करें, मेडिसिन, क्या है, मेडिसिन विच कॉजेज क्या, वोमेटिंग, मतलब एक ऐसी दवा, वोमिट समझते हैं ना, वोमिट से वोमिटिंग बना है, वोमिट मतलब उल्टी करना, और वोमिटिंग मतलब उल्टी, क्या कहा है, दैट विच कॉजेज वोमिटिंग, ऐसी कोई जो दवा जो आपको उल्टी करने के लिए दी जाती है, के करने की दवा, उल्टी करने, अगर कोई बच्चा, हम लोग कुछ खा लेते हैं गलती से, उसको बाहर निकल रहा है, कोई बच्चा कुछ निगल लेता है, उसको बाहर जो उसको एक मेडिसिन दी जाती है जिससे उल्टी हो जाए और बाहर निकल जाए, तो उस दवा को बोलेंगे इमेटिक, ई एम ई टी आई सी, क्या, ई एम ई टी आई सी, इमेटिक, बोलिए याद हुआ नहीं याद हुआ है, उल्टी कराने की जो दवा है उसे क्या बोलेंगे, इमेटिक बोलेंगे, बोलो बच्चों क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास हेटर ऑफ स्मोकिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जो नफरत करता है, किससे नफरत करता है, स्मोकिंग से, धूम्रपान से नफरत करता है, आप कह सकते हैं वन हु हेट्स स्मोकिंग, एक ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग से नफरत करता है, जैसे आप लोग आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो स्मोकिंग से बहुत नफरत करती है, तो वो जो पर्सन है जो नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसोकैपनिक, एम आई एस सी ओ सॉरी मिसो एम आई एस ओ सॉरी एम आई एस ओ मिसोकैपनिक सी ए पी ध्यान दीजिए सी ए पी एन आई सी मिसोकैपनिक एम आई एस ओ सी ए पी एन आई सी क्या बोलेंगे मिसोकैपनिक जो नफरत करता है किससे स्मोकिंग से तो आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास आई होप सो स्टूडेंट चीजें क्लियर हो रही होंगी नेक्स्ट वर्ड है टू वर्क विदाउट सैलरी बताइए ऐसा कोई पर्सन होता है क्या ऐसा कोई पर्सन होता है जो बिना सैलरी के काम करता है क्या कहा मैंने टू वर्क विदाउट सैलरी एक ऐसा पर्सन जो विदाउट सैलरी के काम करता है ये कहिए एक पर्सन जो वेतन नहीं लेता और मुफ्त में काम करता है बच्चे आजकल कौन करता है मुफ्त में काम कोई है क्या नहीं ना लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है वो हमसे क्या सैलरी लेते हैं नहीं ना हमारा कोई फ्रेंड है अगर वो हमारा कुछ काम करेगा हमारा कुछ काम करता है तो क्या वो सैलरी लेता है तो वो हमारे लिए वो जो पर्सन है वो ऑनररी पर्सन है क्या है एच ओ एन ओ ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग आर ए आर वाई एच ओ एन ओ आर ए आर वाई ऑनररी पर्सन क्या बोलेंगे ऑनररी पर्सन उसको बोलेंगे ऑनररी है देखिए बच्चों ये नाउन है सब ऑनररी मिसोकैपनिक इमेटिक बुआइन जो गाय जैसा पर्सन है तो बुआइन पर्सन मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है फिलैंथ्रोपिस्ट बोलिए बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास क्या है ए यंग अनमैरिड वुमेन ए यंग जरा दोनों सेंटेंस को ए यंग अनमैरिड मतलब क्या है एक ऐसी वुमेन ए यंग अनमैरिड वुमेन और दूसरा भी देखिए मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से दोनों को समझिए मैंने कहा ए यंग अनमैरिड वुमेन
और यहीं पर क्योंकि दोनों जो दूसरा नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं बच्चों उसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या है देखिए दो है दोनों को ध्यान समझिए, ए वुमेन हु रिमेन्स, जरा ध्यान सुनिएगा मैंने यंग नहीं कहा, देखिए यहां पर है ए यंग अनमैरिड वुमेन और यहां पर कह रहा हूं ए वुमेन हु रिमेन्स, मतलब रिमेन्स मतलब रिमेन्स का मतलब है बच्चे जो रहती है हमेशा क्या सॉरी हु रिमेन्स अनमैरिड, जरा दोनों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों में बड़ा डाउट है यार स्टूडेंट्स को, यंग अनमैरिड वुमेन एक यंग है लेकिन वो अनमैरिड है जिसको आप बोलते हैं कुंवारी, मतलब क्या एक ऐसी लड़की जिसने अब तक शादी नहीं की है तो बोलेंगे स्पिंस्टर, एस पी आई एन एस टी ई आर, एस पी आई एन एस टी आर, क्या स्पिंस्टर जिसे आप कुंवारी कहते हैं भाई यंग लड़की है जिसने अब तक शादी नहीं की तो उसे क्या बोलेंगे स्पिंस्टर बोलेंगे, लेकिन एक वुमेन जो अनमैरिड रहती है जैसे आप जानते हैं मायावती मतलब पूरी लाइफ वो अनमैरिड रहती है तो उस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए अनमैरिड वुमेन है क्या बोलेंगे मेडन, एम ए सॉरी ए आई डी ए एन, क्या बोलेंगे मेडन, जरा मेरी बात समझ में आई है नहीं समझ में आई पहले मुझे बताइए क्या बोला मैंने ए मेडन, स्टूडेंट चीजें क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही है बताइए जल्दी से क्विक, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा है ए यंग अनमैरिड वुमेन एक ऐसी यंग अनमैरिड वुमेन है जो अब तक उसने शादी नहीं की लेकिन हो सकता है वो बाद में शादी कर ले स्पिंस्टर है, लेकिन एक ऐसी औरत जो हमेशा बिना शादी के रहती है उसे क्या बोलेंगे उसको आप बोलेंगे क्या मेडन मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं आज का, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लेस वेयर कॉइंस, ए प्लेस वेयर कॉइंस आर कॉइंड या आर मेंट, आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब एक जगह जहां पर कॉइन बनाए जाते हैं उस कॉइन को, कॉइन मतलब समझेंगे ना सिक्के, जहां पर सिक्के बनते हैं जैसे पहले 10 पैसे का 15 पैसे का 20 पैसे का, अभी भी 1 रुपए का जो सिक्का आता है 2 रुपए का जो सिक्का आता है, मतलब उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, ए प्लेस वेयर कॉइंस जहां पर कॉइन बनाए जाते हैं उस जगह को बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या मिंट, टकसाल, क्या बोलेंगे टकसाल। I hope so students, मैंने 10 जो आपको वर्ड वर्ड कराए हैं सारे क्लियर हुए होंगे, स्टूडेंट्स बार बार वीडियो को पॉज करो देखा करो, तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने नेक्स्ट अब देखते हैं लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेट अस सी स्टूडेंट्स, अब मैं हर बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कितने लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं रियली में। तो आइए लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन मैंने वो और होम को लेकर पूछा था, किसको लेकर हु और होम को लेकर लास्ट क्वेश्चन मैंने प्यार प्यार बच्चों पूछा था, क्वेश्चन कुछ ऐसे था आइए देखते हैं, वो ये था लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था एलिटर सॉरी थोड़ा सा मेरे मार्कर में प्रॉब्लम है आइए देखते हैं जरा क्या था वो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ये था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ए लीडर केम सॉरी लीडर केम इन आप देखिएगा केम इन विद हिज फ्लावर्स, जो लास्ट वीडियो है उसको आप चेक करिएगा, विद हिज फॉलोअर्स और मैंने सेंटेंस के वहां पर चार पार्ट किए थे आप चेक करिएगा और वहां पर था हु और क्या हु मेरे प्यारे बच्चों क्या ही सैट कुमा हैड बिल्ट का मतलब सुरु सुरु से बनाना हैड बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स इन दिस एरिया, ये था आपके पास क्वेश्चन इन दिस एरिया, स्टूडेंट्स मैंने कहा था अगर हूं और हूं को लगाना है तो सिंपल सा उसमें क्या करें आप लोग सिंपल सा उसमें ये करना था कि आप लोग जितनी मिनिमम है उतने सब्जेक्ट होने चाहिए, यहां मिनिमम कौन है आपके पास केम, एम राइट,
और हु और whom में डाउट है ये बाद की बात करेंगे। और एक मेन वर्ब है आपके पास built, क्या है built, और एक मेन वर्ब ये भी है आपके पास set, see की जो second और third form है set set। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में तीन मेन वर्ब है, पहली came, दूसरी क्या है मेरे बच्चों set, और नेक्स्ट क्या है मेरे पास built। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? वन और मेरे मेरे बच्चों क्या टू, और ये रही आपकी सॉरी बिल्ड नहीं बिल्डिंग्स नहीं मैंने बिल्डिंग्स एंड दैट इज थ्री मेन वर्ब। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास हम देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल एकदम अपोजिट लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, दैट इज मेन वर्ब वन, दैट इज मेन वर्ब टू एंड दैट इज मेन वर्ब थ्री। ये रहा आपके पास सब्जेक्ट वन राइट, और एक सब्जेक्ट है आपके पास कौन ही, कितने सब्जेक्ट हुए दो, तो मुझे बताइए क्या इनके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पहला सब्जेक्ट है ए लीडर, क्या है ए लीडर, और दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास कौन ही के अलावा कोई सब्जेक्ट है क्या? पूरे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, तो आपको सब्जेक्ट की नीड है, क्योंकि मैंने रूल बताया था जितनी मेन वर्ब तीन मेन वर्ब तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए तीन, तो रूल के हिसाब से आप क्या लगाएंगे ही, क्योंकि ही सब्जेक्ट होता है, तो ये हो गए तीन सब्जेक्ट। तो राइट सेंटेंस फॉर ए लीडर केम इन विद हिज फॉलोअर्स हु, क्या ही सेड, इसने कहा था हु हैड बिल्ट, जिससे बनाई थी मैनी बिल्डिंग्स इन दिस एरिया, तो सेंटेंस का रिक्वायरमेंट हु का है, हुम लगाते सेंटेंस जीरो हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन मैंने जैसा मैंने आप लोगों से मैंने कहा था मैं हर वीडियो में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आज का क्वेश्चन मेरे पास क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ए लोनली, लोनली समझते हैं ना अकेली, ए लोनली यंग गर्ल, एक लोनली यंग गर्ल है, उसको क्या बोलेंगे कमेंट करके मुझे बताएं। सब लोग लिखिए जरा ए लोनली यंग गर्ल, एक जो जवान यंग लड़की है जिसे आप ब्यूटीफुल कहते हैं, यंग लड़की जो है उसको आप क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताऊंगा ए लोनली यंग गर्ल को क्या बोला जाता है। स्टूडेंट्स जब तक लाइव में ना स्टूडेंट सब लगा है तो प्लीज लिखा करें, इसलिए मैं कह रहा हूं कमेंट करके जरूर बताया करें, अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत किया करें ए लोनली यंग गर्ल, और लिखा करें कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलेंगे। ओके बच्चों शायद वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।